गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल्स। और आज मैं आपके लिए बहुत सारे ह्यूज रेंज के विंस्को के डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जो कि अलग अलग पेट्स के लिए सप्लीमेंट्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास बहुत बड़ा रेंज है विंस्को प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे एवन आर एवन ए प्लस लोगों को बहुत सारा रिक्वायरमेंट रहता है। लोग बहुत सारे इंक्वायरीज डाल रहे थे मेरे पास में विंस्को का, तो मेरे पास में विंस्को के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे प्रोडक्ट्स के एक रेंज है और सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड डिफरेंट ये है कि ये प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट से काफ़ी ही लो कॉस्ट में है। सो बेसिकली हम लोग एक एक इंडिविजुअल देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट का क्या यूज़ है एंड किस तरीके से हम लोग बर्ड्स को या फिर हमारे हैमस्टर्स को या रैबिट्स को किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स है इस प्रोडक्ट्स में, वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो गाइस फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एवेना से, दैट इज रेस्पिरेटरी केयर्स। टिश्यू डैमेज अगर कुछ होता है बर्ड्स में या फिर कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन रिकवर करने के लिए, टिश्यू के डैमेज रिकवर करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ है बर्ड को तो वो भी वो कंट्रोल करता है। एंड अगर कुछ टिश्यू डैमेज हुआ है, कहीं पे भी चोट लग गई है, तो हम जो सप्लीमेंट देना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है। एंड बर्ड के फैदर्स वगैरह की ग्रोथ के लिए एंड कलर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। दैट इज़ बट बेसिकली जो इसका वर्क है वो टिश्यू डैमेज एंड या फिर कुछ इन्फेक्शन वगैरह कुछ हुआ है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड 30 ml का है ये टोटल, ये जो आपको दिख रहा है विंस्को का एवन आर, दैट इज़ 195 rupees का है ये। आप अगर डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करते हैं 195 एंड शिपिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी शिप कर सकते हैं। शिपिंग चार्जेस डिपेंड अपॉन स्टेट्स या फिर आपका किस जगह पे आपको चाहिए वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसमें हमारे पास में बड़ा पैक भी है, दैट इज दिस वन इज 30 ml एंड ये जो दिख रहा है इट्स 100 ml का पैक है। दिस वन इज 625 rupees, 100 ml का 625 rupees का है। सेम एज इट इज़ है, बस बड़े पैक में है। कुछ लोगों को छोटे का रिक्वायरमेंट है जिनका छोटे बर्ड्स है उनके लिए, एंड बड़ा बर्ड अगर किसी का है तो आप 100 ml का यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवन ए प्लस, दैट इज़ अमीनो एसिड। ये भी आप किसी भी बर्ड्स को दे सकते हैं, प्रीमियम सप्लीमेंट्स फॉर बर्ड्स। बेसिकली इसका जो यूज़ है वो किसके लिए है कि फॉर एग्जांपल आपके छोटे बर्ड्स है या फिर फैदर ग्रोथ के लिए एंड बर्ड्स के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट्स है। यहाँ पे सेम उसी तरीके से इसको आप पानी में दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली उनको माउथ में दे सकते हैं। दैट इज़ प्रीमियम सप्लीमेंट फॉर गुड फैदर ग्रोथ। एंड दिस वन इज़ एवी टॉक्स, विंस्को का एवी टॉक्स। बेसिकली कैसा रहता है कि बर्ड्स को गैस्ट्रो का भी प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सभी बर्ड्स, कैट, डॉग्स, किसी भी पेट्स को जो गैस्ट्रो का प्रॉब्लम होता है उनके कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी बर्ड है और उसके पेट में ऐसा फूला हुआ दिख रहा है, फीडिंग लेना कम कर देते हैं वो लोग, एंड कुछ शीट्स वगैरह में भी कभी कभी प्रॉब्लम आता है, तो दिस इज़ एवीटॉक्स। ये गैस्ट्रो वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट्स है बर्ड्स के लिए। आप किसी भी बर्ड्स को दे सकते हैं, कोई भी प्रीमियम बर्ड्स अगर है कोई तो आप उनको भी ये यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ 130 rupees का ये एक सप्लीमेंट है। एंड इसमें बड़ा पैक भी है हमारे पास में एवीटॉक्स, दिस वन इज 100 ml, 100 ml का क्लियरली दिख नहीं रहा है, सो हम दूसरा पैक ले लेते हैं। आई थिंक सो 500 rupees का समथिंग कुछ रहेगा। बेसिकली इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है बट मैं आपको इसके प्राइजेस डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं दिस वन इज विंस्को कैंडिड। विंस्को कैंडिड का यूज़ हम लोग किस लिए कर सकते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह बहुत सारे बर्ड्स में होते हैं, बर्ड्स नहीं ये स्पेशली पिजन्स के लिए है। कुछ इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं पिजन्स को, तो उसके लिए ये कैंडिड सप्लीमेंट्स काफ़ी ही अच्छा सप्लीमेंट है जो हम पिजन्स को दे सकते हैं। एंड इसमें दूसरा भी एक और आता है छोटे साइज़ में, अभी कैंडिड का मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। एंड जो बड़ा है ये साइज़, दिस वन इज 380 rupees का, ये 100 ml का है। एक और सप्लीमेंट आता है दिस परफॉर्मेंस एनहेंसर। ये कैसा, जो बर्ड्स रेसिंग पिजन्स होते हैं
उनके लिए काफ़ी अच्छा है, स्टेमिना वगैरह काफ़ी इंक्रीज करता है बॉन पी। परफॉर्मेंस एनहेंसर मीन्स आप कोई भी आपका कॉम्पिटिशन्स का अगर पिजन है तो आप उन पिजन्स को ये दे सकते हैं, स्टेमिना वगैरह इंक्रीज करने के लिए काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट्स है ये। तो ये सप्लीमेंट्स है 130 रुपीस फॉर 30 ml, ये सप्लीमेंट है। कोई भी पिजन जो आपका रेस वगैरह में, अगर आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह में कहीं पे भी उसको लेके जाते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है, उसको जो उसका स्टैमिना है वो इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उसको मिलता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैलिक्सो। कैलिक्सो बेसिकली कैसा रहता है कि हम बर्ड्स को कहीं पे भी किसी एक जगह से दूसरे जगह पे कहीं पे लेके जाते, कुछ शिफ्ट करते हैं या ट्रांसपोर्टेशंस में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस टाइम पे हम कैलिक्सो का यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रेस रिमूव करने के लिए ये सप्लीमेंट है। इसमें आपको दिया भी रहेगा कि किस लिए है ये, जैसे ट्रांसपोर्टेशंस ओवरक्राउडिंग्स में इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कैसा, स्ट्रेस वगैरह अगर किसी बर्ड को आ रहा है कहीं ट्रांसपोर्ट में, आप कहीं पे लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, या फिर कहीं से आपने नया बर्ड परचेज़ किया है और उस टाइम पे आप घर पे लेके आते हैं तो कभी कभी वो स्ट्रेस में आ जाता है, या फिर कभी कभी कुछ नॉक वगैरह करने से या फिर किसी भी तरीके से कुछ गिर जाता है, कभी कभी बर्ड स्ट्रेस में आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग स्ट्रेस में आ जाते हैं, कोई भी स्ट्रेस में आता है। तो ये बेसिकली बर्ड्स के लिए है, कोई भी स्ट्रेस में आ सकता है कैसे भी किसी भी तरीके से। तो उसी तरीके से यहाँ पे कैलिक्सो है जो कि बर्ड्स के लिए है, स्ट्रेस में आए हुए बर्ड्स को हम लोग ये सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, काफ़ी ही अच्छा सप्लीमेंट है। एंड द कॉस्ट इज 130 रुपीज़ आई थिंक सो, इसमें क्लियर है नहीं, मैं दूसरा देख लेता हूँ। 130 रुपीज़ का है ये। सेम सारे जितने भी आपको विंस्को के प्रोडक्ट दिख रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है और इसको आपको ड्रॉप के थ्रू देना है, पानी के साथ में आप ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं डायरेक्टली आप माउथ में अगर देना चाहते हैं तो माउथ में भी उसको ड्रॉपर के थ्रू दे सकते हैं, एंड फीडिंग में भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो फीडिंग में भी उसको ऐड करके दे सकते हैं। बेसिकली फीडिंग में ऐड करने से क्या होगा कि डस्ट वगैरह कभी कभी फीडिंग में से जो शेल्स वगैरह निकलते हैं तो वो पूरा बर्ड्स खाते नहीं है तो डायरेक्टली जाता नहीं है, बट कुछ अगर आप प्रीमियम सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ अगर अच्छे ले रहे हैं जिसमें रश की ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम का ये फ्रूट ब्लेंड अगर आप ले रहे हैं तो सुप्रीम के फ्रूट ब्लेंड में कुछ भी आउटर शेल्स निकलने के चांसेस नहीं रहते हैं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मल इस टाइप के कुछ फूड्स ले रहे हैं, इस टाइप के फूड ले रहे हैं तो इसका जो आउटर लेयर है वो बर्ड्स निकाल देते हैं, तो डायरेक्टली आप पानी में अगर ऐड करके दे रहे हैं तो दैट विल गुड, और डायरेक्ट अगर माउथ में दे रहे हैं उनके ड्रॉपर के थ्रू तो बहुत ही अच्छा है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं लीवर टॉनिक्स। कभी कभी बर्ड्स के लीवर का कुछ इश्यूज आते हैं, लीवर में उनके इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं या फिर लीवर का बेसिकली उनका डाइजेशन नहीं होता है, कुछ बर्ड्स के बैक साइड में ही शीट्स चिपके रहते हैं, जो शीट चिपके रहते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, उसको लीवर के टॉनिक्स को हम लोग दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट्स है एंड इट्स ऑल्सो 130 रुपीज़, छोटा है सप्लीमेंट्स ये, एंड इसमें मेरे पास में बड़ा साइज़ में भी रहेगा, बड़े साइज़ में भी अवेलेबल है, छोटे साइज़ में मैंने आपको शो किया। देन नेक्स्ट इज हैमस्टर एम मल्टीविटामिंस। फॉर एग्जांपल हम लोग मल्टीविटामिंस रेगुलर बेसिस में अगर किसी को हैमस्टर या गिनी पिग है किसी के पास में तो सप्लीमेंट्स देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं मल्टीविटामिन हैमस्टर एम प्रीमियम सप्लीमेंट्स फॉर हैमस्टर, एंड दैट इज 175 रुपीज़ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, 30 ml का है। एंड गिनी पिग के लिए भी सेम उसी तरीके से मल्टीविटामिंस का सप्लीमेंट्स है 30 ml, एंड दैट इज 145 रुपीस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स है इसमें, अगर आप देखने जाएंगे तो आपके हैमस्टर्स एंड रैबिट्स को बहुत सारे विटामिंस मिलेंगे, दैट इज A, D, 2, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स है। प्रीमियम कैल्शियम्स पिजन्स के लिए कैल्शियम्स रिक्वायर्ड होता है बिकॉज ऑफ वो काफ़ी हाई फ्लायर होते हैं, और अगर कॉम्पिटिशन्स का है तो उस टाइम पे उनके बोन्स अगर स्ट्रांग रहेंगे तो उसके फ्लाइंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है, तो पिजन सी हम दे सकते हैं, दैट इज़ 30 ml, एंड ये जो कॉस्ट है इसका 130 रुपीज़ है। इसमें सब में मेरे पास में बड़े पैक्स भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं रैबिट, सेम हैमस्टर्स के लिए जैसे मल्टीविटामिन था
गिनी पिग के लिए जैसे मल्टीविटामिन्स था सेम उसी तरीके से रैबिट का मल्टीविटामिन्स है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी विटामिन्स है जो रैबिट्स की ग्रोथ एंड कलर एनहांस के लिए काफ़ी अच्छे है। सेम उसी तरीके से हैमस्टर्स एंड गिनी पिग्स के भी ग्रोथ एंड उसके फर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छे विटामिन सिरप्स है। सेम उसी तरीके से आपको ड्रॉपर के थ्रू देना है। किसी के पास में टर्टल है बेसिकली नॉर्मली बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बेसिकली नॉर्मली बहुत कई लोगों के पास में टर्टल रहता है और उन लोगों को रिक्वायर्ड रहता है कि टर्टल में हमें कुछ सप्लीमेंट्स चाहिए जो विटामिन्स में हम दे सके टर्टल्स को। तो टर्टल एम है प्रीमियम सप्लीमेंट्स फॉर टर्टल्स एंड कैल्शियम्स के लिए भी सप्लीमेंट्स है जो कि आप पानी में ही मोस्ट ऑफ हर टाइम टर्टल्स रहते हैं तो मल्टी विटामिन्स और आप कैल्शियम्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड बर्ड्स में मेरे पास में एक अदर ब्रांड्स का भी एक सप्लीमेंट्स है दैट इज़ बर्ड प्लस। ये स्काई सी का सप्लीमेंट है, इसमें मेरे पास में छोटा पैक है जो कि 30 ml का है, इट विल 100 rupees का ये सप्लीमेंट है। एंड जो बड़ा दिख रहा है दैट इज़ 500 ml का ये सप्लीमेंट्स है। इसमें विटामिन सी भी है और लोबर्ट्स पीजन्स एंड पैरट्स को आप इसको दे सकते हैं। 500 ml का 750 rupees है आई थिंक सो। देन दिस इज विंस्को एवन आई सप्लीमेंट्स। ये जो सप्लीमेंट्स है ये इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए है जो बेसिकली कैसा रहता है कभी कभी बर्ड्स फीडिंग्स नहीं लेते हैं तो उस टाइम पे अगर आप इम्यूनिटी पावर उसका बूस्ट करना चाहते हैं क्या खाना है किस तरीके से रखना है तो वो इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड इट विल 190 rupees फॉर दिस सप्लीमेंट्स। इम्यूनिटी आर न्यूट्रीवर्ड बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस है A19। सो नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रीबर्ड A19। बेसिकली आपको पता होगा दिस इज़ हैंड फार्मूला, हैंड फीडिंग फार्मूला। कोई भी जो आपके बर्ड्स है जो ग्रे हो गए फॉर एग्जांपल तो उन बर्ड्स को आप हैंड फीडिंग यानी सिरिंज के थ्रू छोटे बर्ड्स को दे सकते हैं। और हैंड फीडिंग करने से बेनिफिट ये भी रहता है कि वो प्रॉपरली टेम्ड हो जाते हैं। एंड लॉरी बर्ड्स के लिए भी यहाँ पे मेरे पास में सप्लीमेंट्स है वो भी आप दे सकते हैं, फीडिंग्स है ये। एंड मार्मोसाइट्स अगर किसी के पास में है तो जुप्रीम के मार्मोसाइट्स है मेरे पास में, वो भी आप दे सकते हैं। रैक्स ऑयल बेसिकली बर्ड्स कैट्स एंड डॉग्स सभी के लिए चलता है तो वो भी अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो रैक्स वीट जम ऑयल है, वीट जम भी मेरे पास में अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जितने भी है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करें। एंड कुछ भी अगर आपको ऑर्डर देना है तो आप डायरेक्टली फ़ोन करके ऑर्डर दे सकते हैं। ऑल इंडिया सब जगह शिपिंग्स अवेलेबल है एंड जो भी आपको चाहिए शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा रहेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के जितने भी वैरायटीज़ है सबके प्राइस मैंने आपको बता दिए हैं। हम लोग अभी नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे दो और सप्लीमेंट्स है जो कि कुछ प्रीमियम सप्लीमेंट्स है विंस्को के, और भी मेरे पास में कुछ सप्लीमेंट्स आने वाले हैं। ये सप्लीमेंट्स का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि ये सप्लीमेंट्स किस लिए है। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।